कितना भी आवाज देकर बुला लेना दोस्तों, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए आज में जीना ही सबसे बेहतर है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम कर्क राशि के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने स्वयं थंबनेल में देख लिया होगा, कर्क राशि की जीवन की महत्वपूर्ण सच्चाई, जो प्रश्न कभी ना कभी आपके मन में जरूर होते हैं, लेकिन उनका जवाब शायद कभी आपने सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। आज हम जानेंगे कर्क राशि का बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये फैक्टर्स कैसे होते हैं आपके जीवन में, कैसा होता है जवानी, बचपन और बुढ़ापा। इसके साथ हम जानेंगे कर्क राशि की संतान आखिर कैसी होती है, इसके साथ कर्क राशि का वैवाहिक जीवन कैसा होता है, और इसके साथ साथ कर्क राशि का गोल्डन टाइम पीरियड यानी कि टर्निंग पॉइंट कब से शुरू होता है, कौन से वर्ष से शुरू होता है, ये हम जानेंगे। तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है कर्क राशि की जीवन की कुछ सच्चाई। यह कार्यक्रम जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, और दोस्तों अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ले सकते हैं। कर्क राशि राशि चक्र की चौथे चौथे नंबर की राशि होती है कर्क राशि, जिनके अधिपत्य बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा एक विशेष ग्रह माने जाते हैं क्योंकि हमारे पृथ्वी के उपग्रह हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा राशि के मालिक बनते हैं जिनको रानी का पद भी प्राप्त किया गया है ज्योतिष शास्त्र। अब जानते हैं कि इनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा कैसा होता है। चंद्रमा होता है मन के कारक, माता के कारक होते हैं ये, हमेशा चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, ये अपनी माँ से बहुत कनेक्ट होते हैं, अपनी माता के प्रिय होते हैं और माता को मानने वाले भी होते हैं। 12 राशियों में से कर्क राशि, मीन राशि और कन्या राशि ऐसी होती है जो किसी को भी शत्रु नहीं मानते, यानी कि इनके इनके साथ किसी की भी मिल जाती है, बन जाती है। जैसे कुछ राशियां होती हैं सिंह राशि, मेष राशि, मकर राशि, तुला राशि, वृषभ राशि, बहुत सारी राशियां ऐसी होती हैं जिनके साथ किसी किसी की बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लेकिन कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि एक ऐसी राशियां होती हैं जिनके साथ सबकी जल्दी से बन जाती है। इनका बचपन जो होता है ना दोस्तों, कर्क राशि बहुत ही ज्यादा चंचल होता है, जिसकी वजह से परेशानी भी होती है माँ बाप को। चंचल क्यों? एक जगह पर नहीं बैठना, एक बात को जल्दी से नहीं सुनना, एक चीजों पर नहीं रहना, चंद्रमा है भाई, और एक चीज पर बैठना ही नहीं है, चैन से बैठकर नहीं रहना। अगर कुछ खाना है, कुछ पीना है, तो वो भी जल्दबाजी में, ठीक से नहीं, यानी कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाले होते हैं अपने माँ बाप को। क्योंकि भाई जब चंचल होंगे, बहुत ज्यादा शैतान होंगे, तो सिर्फ घर वाले नहीं, बाहर वाले भी बोलेंगे कि आपका बच्चा तो बड़ा शैतान है। तो ये थोड़ा बहुत कर्क राशि के बचपन में अक्सर देखा गया है, खासकर 3-4 साल से पहले पहले, कि बहुत ज्यादा ये अपने कहते कि अपने में ही लगे रहते हैं और बहुत ज्यादा शैतानी इनके अंदर होती है। लेकिन लेकिन एक चीज बहुत होती है, सुंदर बहुत होते हैं, और खासकर इनकी आंखें, चंद्रमा आंखों के भी कारक होते हैं, तो इनकी आंखें बहुत सुंदर होती है। इनकी जो फेस की बनावट है, चाहे सांवले हो चाहे गोरे हो, लेकिन इनकी फेस की जो बनावट है वो बहुत अच्छी होती है। अब जवानी की बात अगर देखी जाए, सेंटिमेंटल हो जाते हैं ये व्यक्ति, ये थोड़े से पजेसिव हो जाते हैं, सीरियस इमोशनल होते हैं, दिल पे चीजों को जल्दी से लगा लेते हैं, ईमानदार तो होते होते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़े से सीरियस टाइप के हो जाते हैं। सीरियस टाइप के मतलब कि किसी चीजों को लेकर जल्दी से सीरियस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, चंचलता तो इनके अंदर रहती ही रहती है, काम को लेकर जल्दबाजी हो जाती है, पेशेंस लेवल गिर जाता है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, काम को लेकर भागना, दौड़ना, जल्दबाजी करना, चीजों को करना है तो अभी करना है, नहीं तो नहीं करना। और फिर कभी कभी क्या होता है कि चीजों को लेकर बोलते हैं कि करूंगा 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 और नहीं करते हैं, टालने वाली आदत। दो चीज देखिए कि जिस चीज को करना है
जिस चीज को इनको करना है तो फिर बहुत जल्दबाजी में करना है, बहुत जल्दबाजी में करना है, और जिस चीज को इनको नहीं करना या लगता है कि हाँ ठीक है करूंगा कल करूंगा करूंगा, लेकिन उस चीज की वजह से इनको करियर में या बॉस के साथ में किसी के साथ में भी थोड़ा बहुत आर्गुमेंट हो सकता है। और एक बात और है, फ्लक्चुएशन, माइंड डाइवर्ट, कोई भी चीज लेना, डिसीजन पावर में कमी होना, ये इनके अंदर कर्क राशि के अंदर अक्सर देखा जाता है। 64 कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं ये कर्क राशि वाले व्यक्ति, यानी कि बोलते क्या है, करते क्या है, सोचते क्या है, सामने वाले को पता नहीं चलेगा, सामने वाला समझेगा कि ये कर क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, यानी कि बहुत रहस्यमयी किस्म के देखे जाते हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति, लेकिन प्रिय होते हैं सब। शत्रु कोई भी इनका जल्दी से नहीं बनता, क्योंकि जल्दी से कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राशि हो, ये सबको जल्दी से अपना बना लेते हैं, या फिर ये कहूं कि मतलब हर किसी के साथ इनकी जो है बैलेंस होके चल जाती है, बन जाती है। अब इनका बुढ़ापे की अगर बात करें, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा बुढ़ापे की अगर बात करें तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में कफ कोल्ड का थोड़ा ध्यान रखना है, पानी वाली चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है, जो पानी से कुछ भी अगर स्वास्थ्य में परेशानी आती है तो वो ध्यान रखना है, कफ कोल्ड और फीवर का अपने बुढ़ापे में विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम में चीजें ज्यादा होती हैं। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा मानने वाले होते हैं कर्क राशि वाले व्यक्ति, लेकिन मानते तो हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी इनके बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कर्क राशि ये बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत बोलते हैं, एक एक चीजों को रिपीट करने वाले होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट यानी कि वैचारिक मतभेद भी देखा जाता है बुढ़ापे में। और इसके साथ साथ ये अपने बुढ़ापे में बहुत चूजी हो जाते हैं, यानी कि किसी चीज को बहुत चूज करना, बहुत देखना, कमी निकालना, एक चीज को बोलते रहना, कुछ ना कुछ लगे रहना, यानी कि कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा सोचने की वजह से, यानी कि एक चीज ऊपर बहुत गहन अध्ययन करते हैं, बहुत ज्यादा डीप जाते हैं, बहुत चूजी हो जाते हैं किसी चीज को चूज करने के लिए, इनके मन के अंदर चीजें बहुत चलने लग जाती है, समाज के प्रति बहुत ज्यादा नहीं रहते ये व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति कुछ लोगों में रहते हैं और उनके साथ ही खुश रहना पसंद करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी संतान कैसी होती है, पंचम भाव के मालिक बनते हैं मंगल, और मंगल को सेनापति का पद प्राप्त किया गया है, थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर होता है आपकी संतान का, लेकिन दिल के बहुत सच्चे होते हैं, क्योंकि मंगल को सेनापति का पद प्राप्त किया गया, आपकी संतान ऐसी होती है कि आपसे बिल्कुल विपरीत होती है, आपके बिल्कुल अपोजिट होती है, क्योंकि उनके अंदर साहस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, इसके साथ साथ अग्रेसिव तो होते हैं वो व्यक्ति, अपनी चलाने वाले व्यक्ति होते हैं आपके संतान, पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहूंगा और बहुत वीक भी नहीं कहूंगा, सामान्य सामान्य एवरेज होते हैं आपके संतान पढ़ने में, लेकिन अपने करियर में बहुत आगे बढ़ते हैं, एक टाइम में आके अपने करियर को लेकर बहुत सीरियस हो जाते हैं आपके संतान, सपोर्ट करने वाले होते हैं अपने माँ बाप का, गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करते, सही चीजों पे वर्क करना पसंद करते हैं, दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं होता आपके संतान को, ये कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, आपके मैरिड लाइफ की बात करें, तो 7th हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव, शनि और राशि के मालिक चंद्रमा, ये भी विपरीत है, चंद्रमा जो कि बहुत फास्ट सोचते हैं और शनिदेव 2.5 साल में एक राशि चेंज करते हैं, दोनों के सोच और विचार में बहुत अंतर देखा जाता है, वैवाहिक जीवन में बहुत अंतर देखा जाता है, यानी कि एक बात और है कि फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कभी कभी आपके लाइफ पार्टनर छोटी छोटी चीजों को लेकर, और छोटी छोटी चीजों पे नाराज भी हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर थोड़ा सा गुस्सा जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि आपकी राशि के मालिक है चंद्रमा, आप ये सोचते हैं कि अपने रिलेशन को खराब नहीं करना, अपने रिलेशन को किस तरीके से मजबूत बनाना है, अच्छा बनाना है, ऐसा आप सोचकर कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को बैलेंस यानी कि कंफर्टेबल जोन में लेकर चले ही जाते हैं। तो मैरिड लाइफ देखी जाए तो थोड़ा बहुत बस यहाँ पे सोच विचार का और छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट और फ्रस्ट्रेशंस रहती है, लेकिन फिर भी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है आपकी। इसके बाद देखा जाए टर्निंग पॉइंट, गोल्डन टाइम पीरियड कब से शुरू होता है कर्क राशि वाले व्यक्तियों का, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, 25 साल के बाद, 25 साल के बाद और 36 साल से पहले पहले,
गोल्डन टाइम पीरियड आपका जरूर देखा जाता है, टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में जरूर आता है, वो कुछ भी हो सकता है। टर्निंग पॉइंट आपके करियर में चेंज आया, कोई अपना काम स्टार्ट किया, कोई डेली इनकम में इजाफा हो गया, कोई आपकी सैलरी में वृद्धि हो गई, कोई आपको गेन मिला, कोई अचीवमेंट्स मिली, कोई नेम फेम हुआ, कोई पर्सनल लाइफ में चेंज आया, फैमिली में कोई चेंज आया। लेकिन कुछ ना कुछ आपके चेंज जीवन में जरूर आता है 25 साल के बाद और 36 साल से पहले पहले, बहुत बड़ा चेंज। ये बताया मैंने सब कुछ आपको। कैसे लगे आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।